आगरा का ताजमहल, काशी की ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह में शिवालय होने की चर्चाओं के बाद अब अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। ये दावा हिंदूवादी संगठन ने ठोका है और इसके सर्वे की मांग उठाई है। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी भी लिखी गई है, जिसके चलते अब अजमेर में इस मशहूर दरगाह की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अजमेर की प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह से जुड़े इस नए विवाद के बाद अजमेर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कई बड़े अधिकारी लगातार दरगाह के आसपास निगरानी रख रहे हैं। इस दावे के बाद अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े प्रबंधन का कहना है कि ये सब माहौल खराब करने की चाल है। दरअसल महाराणा प्रताप संगठन ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्र सरकार को भी इस बारे में पत्र लिखा है। महाराणा प्रताप सेना का कहना है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शिव मंदिर है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने दावा किया कि अजमेर में ख्वाजा की दरगाह एक शिव मंदिर था, लेकिन बदलकर दरगाह बना दी गई। साथ ही दावा किया कि दरगाह में मंदिर होने के कई सबूत हैं। महाराणा प्रताप सेना के अधिकारियों ने भी इस तस्वीर को शेयर किया है, जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह की खिड़कियों पर स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने इसकी जांच कराने की अपील की है। सेना के प्रमुख परमार ने कहा कि एक हफ्ते में जांच नहीं हुई तो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि ये दरगाह गंगा जमुनी तहजीब के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और हर साल हिंदू और मुसलमान समेत लाखों लोग यहाँ आते हैं। वहीं अब इस मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।